सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। मैं आज इस पिक्चर का कलर टोन होता है फ्रेंड, जो लाइट रूम से इफेक्ट डाला जाता है, मैं वो आज डालकर इसे दिखाने जा रहा हूँ। और सो फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पर अभी न्यू है वो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा नॉर्मल पिक्चर है और उसके बाद कलर टोन डालने के बाद ये पिक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। और देखिए, इस पे कलर टोन काफ़ी कमाल का लगता है, वाइट एंड ब्लैक टोन। जी हाँ फ्रेंड, मैं आज इसी पर ये कलर टोन डाल के आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और फुल वॉच जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा से भी स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग पहले अपने गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आने के बाद फ्रेंड क्या करना है, अपने रियल पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड देखिए, नीचे की ओर एक शेयर का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और इसे शेयर क्या कहाँ करना है फ्रेंड, एक एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम है लाइट रूम। जी हाँ फ्रेंड, लाइट रूम आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोग जस्ट लाइट रूम वाले ऐप्स पर क्लिक कर देंगे। लाइट रूम वाले ऐप्स पर क्लिक करते ही देखिए फ्रेंड, एक हमारा ऑप्शन शो करके आ गया है, एडिंग टू लाइट रूम। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन करके बताते हैं, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। सो फाइनली फ्रेंड, हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन में आ गए हैं और देखिए हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है। लाइट रूम एप्लीकेशन होने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। देखिए हमारा जो रियल पिक्चर था यहाँ पर शो कर गया, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा रियल पिक्चर शो कर गया। तो जस्ट हम लोग इस पर एक बार टैप कर लेंगे अपने रियल पिक्चर पे। रियल पिक्चर पे जैसे हम लोग टैप करेंगे फ्रेंड, कुछ पर इस प्रकार से अपने पिक्चर को लोडिंग लेगा। और नीचे की ओर देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत सारे टूल्स का ऑप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लाइट वाले ऑप्शन पर चले आना है। लाइट वाले ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड आप लोग को क्या करना है, कंट्रास्ट को हल्का बढ़ा लेना है और हाईलाइट को हल्का माइनस की ओर इसे रख लेना है। बस जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग को करना है। शैडो को हमेशा माइनस की ओर रखिएगा, वाइट को हल्का माइनस की ओर, बस ज़्यादा, क्योंकि हमारा पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा वाइट है इसलिए। ब्लैक को अपने हिसाब से थोड़ा डिक्रेज कर लीजिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप लोग को क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप लोग को यहाँ ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप लोग को ज़्यादा क्लिक कुछ नहीं करना है फ्रेंड। वाइब्रेंस को तो हल्का सा हम लोग इसे बढ़ाकर इंक्रीज कर लेंगे, 25 रख लेंगे और सेचुरेशन को हल्का बढ़ा लेंगे, 10 इसको रख लेंगे। या फिर इसे 10 रख लेना है। और 10 रखने के बाद फ्रेंड आप लोग को एक मिक्स का ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा मिक्स का एक ऑप्शन शो कर रहा है। हम लोग जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये वाला हम लोग को वाइट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेशन को हल्का माइनस की ओर ले जाएंगे। देख सकते हैं हमारा पिक्चर कुछ इस प्रकार से लगने वाला है और इसे हल्का सा बढ़ा लेंगे। तो फाइनल फ्रेंड यहाँ तक बढ़ाने के बाद हम लोग को क्या करना है फ्रेंड, यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। तो होने के बाद फ्रेंड हम लोग डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए बैक का एक ऑप्शन शो कर रहा है, बैक का जस्ट एक ऑप्शन शो कर रहा है, जस्ट हम लोग उस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। बैक जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड हम लोग यहाँ तक बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद जस्ट उसके बगल में एक पिक्चर है, उस पर क्लिक कर लेंगे। ये क्या है फ्रेंड, आप लोग को शॉर्टकट तरीके में बताया गया है एडिटिंग करने के लिए, तो ये हम लोग का ट्रिक्स है, ठीक है ना फ्रेंड। ये इसका लिंक आप लोग को भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ जाकर ओपन करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद फ्रेंड आप लोग को करना क्या है, इसका 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुल के आ गया कॉपी सेटिंग्स का, तो कॉपी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ऊपर की ओर राइट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर एक बार टैप कर लेंगे। तो यार क्या लिखा गया फ्रेंड्स, कॉपी सेटिंग्स, उसके बाद बैक चले जाना है। और बैक आने के बाद फ्रेंड अपने पिक्चर बगल वाले पे क्लिक कर देना है, रियल पिक्चर पर क्लिक करना है फ्रेंड और एकदम सेम प्रोसेस वही करना है जैसे उस पर कॉपी किए थे, इस पर जस्ट पेस्ट करना है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना है फ्रेंड, यहाँ पर नीचे की ओर पेस्ट सेटिंग्स का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। कुछ टाइम वेट करेंगे, देख सकते हैं ये हमारा हो रहा है। देखिए फ्रेंड एक ही क्लिक में जो जैसा हम लोग का पिक्चर था, देखिए ये हमारा आफ्टर था, ये हमारा बिफोर, बस फ्रेंड एक ही क्लिक में हमारा हो गया है। अगर हम चाहते थे इसे सीरियल वाइज से बताते, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप लोग को शॉर्टकट तरीके से बताया। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।